सीबीआई ने आम्रपाली के ठिकानों पर छापेमारी की है। करीब 29 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चली है, जिसमें नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली में ये छापेमारी हुई है। नोएडा समेत करीब 29 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कंपनी का सैकड़ों करोड़ फंड ट्रांसफर ये मामला है। फंड को ट्रांसफर करने की जांच में सीबीआई जुटी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फंड ट्रांसफर की बात सामने आई थी। सेक्टर 44 स्थित सोसाइटी में सीबीआई ने सर्च किया। दिवालिया घोषित होने के पहले फंड ट्रांसफर कर दिया गया। आम्रपाली के 30,000 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। दानिश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, अब लगातार सीबीआई का शिकंजा कसता ही जा रहा है, आम्रपाली के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास दानिश? बिल्कुल, देखिए आम्रपाली में ज्यादातर जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं या फिर एनबीसीसी में चल रहे हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही बात सामने आई थी कि आम्रपाली का जो प्रबंधन है, जो निदेशक है इसके, वो लोग फंड ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी कंपनियों में और साथ ही विदेशों में। लिहाजा इसी को लेकर सीबीआई ने सो कॉल मोटो लिया है और सीबीआई तकरीबन 29 ठिकाने जो आम्रपाली ग्रुप के हैं, नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली समेत तकरीबन 29 ठिकानों पर छापेमारी करी जा रही है। बताया यही जा रहा है कि यहाँ कंपनी का जो फंड ट्रांसफर का मामला है और यही जो सेक्टर 44 में आम्रपाली का एक प्रोजेक्ट है उसी के एल टावर के अंदर यहाँ पर कल रात से जो है सीबीआई आई हुई थी और यहाँ पर जो रखे दस्तावेज थे उनको खंगाला गया है। हालांकि अभी सीबीआई सूत्रों के अनुसार पता चला है कि यहाँ बहुत से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि जो इनके निदेशक हैं आम्रपाली ग्रुप के, ये लोग फंड ट्रांसफर कर रहे हैं बिना सुप्रीम कोर्ट और एनबीसीसी को जानकारी दिए हुए। लिहाजा सीबीआई जल्द ही निदेशकों पर भी कार्यवाही कर सकती है। फिलहाल जो दस्तावेज मिले हैं उनको